10 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से कर रहे हैं जो आपकी हमारी सबकी सेहत पर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी है। आपको यकीन नहीं होगा कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये दिल्ली की है और वो भी जीवन दायिनी कही जाने वाली यमुना की है। ये यमुना का जहरीला प्रदूषण है, सफेद बर्फ जैसी चादर बिछ गई है, लेकिन ये असल में जहरीला प्रदूषण है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जीवनदायिनी यमुना का ये हाल हो गया है। बर्फ की चादर आपको दिख रही होगी, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ और एक तरीके से कहें तो ये जहरीली स्थिति बनी हुई है जीवनदायिनी यमुना पर, जहां पर आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये खतरा है। और ये स्थिति पहली बार नहीं, कई बार ये दिखा है, जिसको लेकर सवाल उठते भी नजर आए हैं। आपकी सेहत पर भी असर डालेगा। आपको बता दें, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये तस्वीर दिल्ली की ही है और वो भी जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना की। ये यमुना का जहरीला प्रदूषण है, सफेद बर्फ जैसी चादर वहां बिछी दिख रही है, लेकिन ये असल में जहरीला प्रदूषण है। कालिंदी कुंज से हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा हम बात करते हैं। सुशांत, जरा आप जहां पर मौजूद हैं वहां भी तस्वीरें दिखाइए, वहां किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन दीपक के जरिए। देखिए किस तरीके से यमुना नदी के चारों तरफ आपको व्हाइट रंग के झाग जो है वो नजर आएंगे। दरअसल ये यमुना का प्रदूषण है जो पूरी तरीके से यमुना में इस वक्त जो है वो फैल चुका है। दो दिन पहले दिल्ली के अंदर यमुना नदी के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ा था, कल वो दोपहर तक ठीक हुआ और उसके बाद अब यमुना नदी के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का लेवल जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। पूरी यमुना जो है वो इस वक्त प्रदूषित हो चुकी है। आसपास आपको लोग भी नजर आएंगे जो कि यहाँ पर आपको नजर आएंगे काम करते हुए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यह सफेद झाग की चादर है वो पूरी तरह से यमुना को ये बयां करने के लिए काफी है कि यमुना किस तरीके से मैली हो चुकी है। इसके पीछे कारण ये है कि यमुना नदी के अंदर जिस तरीके से डिटर्जेंट बनाने की जो फैक्ट्रीज है उसका जो गंदा पानी है वो नालों के जरिए यमुना में डायरेक्ट जो है वो डाइवर्ट किया हो रहा है, जिसकी वजह से यमुना जो है वो पोल्यूटेड हो रही है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो हवा की गुणवत्ता पूरी तरह से बेहद खराब है। AQI लेवल 450 के पार है, गंभीर श्रेणी में है। हवा खराब, पानी खराब, यमुना नदी जिसका पानी दिल्ली वाले पीते हैं उसकी ये स्थिति है दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे चारों तरफ यमुना की जितनी भी चौड़ाई है वहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सफ़ेद रंग के झाग ही झाग इस वक्त जो है वो नज़र आएंगे। ये सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो टॉक्सिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं यमुना के अंदर। ये पानी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, अगर किसी ने भी इसको पीने की कोशिश करी तो वो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बीमार पड़ना लाजमी है। ये स्थिति जो है वो यमुना की इस वक्त जो है वो दिल्ली के अंदर नजर आ रही, क्योंकि ITO से अगर कहा जाए तो लगातार यमुना जिस तरीके से मैली है, कालिंदी कुंज की ये तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, ITO में हमारे सहयोगी पंकज जैन इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, देखिए छठ पूजा भी होनी है, ना हवा, जिस तरीके से सुशांत बता रहे हैं, ना हवा ही यहाँ पर सुरक्षित, ना पानी ही सुरक्षित, ऐसे में त्यौहार भी लोग मना रहे हैं और शायद अभी भी जो तस्वीरें हम टीवी पर दिखा रहे हैं लोग बेखौफ हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जिस जगह वो मौजूद है वो जगह अब कितनी जहरीली हो गई है। बिल्कुल, लोगों को समय समय पर इस बात की सूचना दी जाती है कि वो अगर नदी में पानी गंदा है तो वहाँ पर ना जाएं, लेकिन जाहिर है आस्था का सवाल है और आस्था लोगों में है इसलिए वो नदी का रुख भी करते हैं। लेकिन हम इस वक्त ITO पर मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाले चौराहे पर, और यहाँ से एक ऊंचाई से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली की कि हवा कैसी है। धुंधलापन आपको यहाँ पर चारों तरफ नजर आएगा। मेरे ठीक सामने जो जानी पहचानी बिल्डिंग है उसके चारों तरफ ये पॉल्यूशन नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक भी ITO चौराहे पर इस बजे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो दिल्ली का पोल्यूशन है, अगर हम बात करें आंकड़ों की तो 400 से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता फिलहाल ठीक नहीं है और ये सिर्फ ITO का हाल नहीं है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो PM10 का लेवल है वो 400 से ज़्यादा ही है। तो जाहिर सी बात है हवा को ठीक होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। एक तरफ दिल्ली सरकार ये मांग भी कर रही है कि जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो पर्यावरण मंत्री हैं वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ मिलकर एक इमरजेंसी बैठक करें
आम आदमी पार्टी सरकार का ये भी कहना है कि दिल्ली में दिवाली के बाद जो प्रदूषण फैला है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अब पराली का प्रदूषण आ रहा है। तो फिलहाल ये तमाम बातें सरकारें कह रही हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में पानी के छिड़काव की जरूरत है। सरकार का दावा है कि वो पानी का छिड़काव अलग अलग इलाकों में करवा रही है, लेकिन तस्वीर भी देख लीजिए, ITO पे जो तस्वीर है वो बयां करती है कि पूरी दिल्ली का हाल कैसा होगा। ITO के अलावा अगर हम बात करें आनंद विहार की, तो वहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो PM10 का लेवल था प्रदूषण का, वो 800 से ज्यादा दर्ज हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये प्रदूषण कब कम होगा और इससे निपटने के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे, इसका भी इंतजार है। बिल्कुल, तो देखिए, एक तरफ हवा जहरीली, वहीं दूसरी तरफ पानी जहरीला। तस्वीरें कुछ रख रहे हैं किस तरीके से हवा में जहर घुला हुआ है इस वक्त। तमाम कोशिशें दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल उन कोशिशों का असर होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। जहां हवा में जहर घुला हुआ है और हम ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो या हवा का थोड़ा रुख बदले तो ये स्थितियां बदले, वहीं पानी में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। सफेद चादर सी नजर आ रही है यमुना नदी के ऊपर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए झाग चारों तरफ आपको सफेद झाग सफेद चादर की तस्वीर, बर्फ की चादर जैसी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ये देखने में आपको सही लग रहा हो, लेकिन ये प्रदूषण है जो यमुना नदी में जब स्तर बढ़ जाता है तो कुछ ऐसी ही स्थिति से यहाँ पर झाग निकलने लगते हैं। लोगों को बोला भी जाता है कि समय इन जगहों से दूर रहें, लेकिन फिर भी आपको बता दें AQI जो है वो भी बिगड़ती चली जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 450 आंकड़ा पार कर चुकी है AQI। प्रदूषण किस तरीके से हावी होता जा रहा है और क्या स्थितियां बनी हुई है, एक रिपोर्ट है अरविंद ओझा हमारे सहयोगी की, वो रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR की हवाओं में जहर घुल चुका है और जहर अब भी बरकरार है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं अपने कैमरे के जरिए कि आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाएं। हालांकि साफ साफ जो अक्षरधाम मंदिर है वो आपको नजर नहीं आएगा और इसकी वजह है बढ़ता प्रदूषण का स्तर। हालांकि कुछ धुंध भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है वो प्रदूषण है। और दिवाली के बाद से ही, दिवाली में जिस तरीके से पटाखे दिल्ली NCR में जले थे, उसके बाद ही जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से जब दिल्ली वाले घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में जलन होती है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 432 के पार है, यानी बहुत ही घटिया श्रेणी में आता है। उसके अलावा नोएडा की बात करें तो 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी वहां पर भी जो हवा का स्तर है, जो हवा में प्रदूषण है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट कहते हैं कि, ये देखिए अक्षरधाम मंदिर को हम फिर दिखाना चाहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो दिवाली के बाद जो पटाखे जलाए गए थे उस वजह से ज्यादा बढ़ा है। हालांकि दिल्ली के आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन ज्यादा जो प्रदूषण बढ़ा है वो दिवाली में जो पटाखे जलाए गए थे उसकी वजह से बढ़ा है। और प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली में अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हवा अभी भी बेहद खतरनाक है और प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ा है कि जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम है और हमारे पीछे जो अक्षरधाम मंदिर है वो लगभग ना के बराबर दिखाई दे रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिलहाल स्थितियां क्या बनी हुई है। एक और रिपोर्ट है हमारे सहयोगी की, जरा वो भी आप देखिए। वीकेंड पर हवाएं चलने की वजह से पटाखों से हुआ प्रदूषण तो दिल्ली NCR में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये धुएं की चादर ज्यों की त्यों है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6 नवंबर के बाद से जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से हवाएं चली हैं, उसमें पंजाब हरियाणा में जो पराली जली है उसका धुआं दिल्ली तक आ रहा है और इस वक्त 48% प्रदूषण जो दिल्ली NCR में है उस पराली के धुएं की वजह से है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि हवाएं अभी भी चल रही हैं और आज यानी कि सोमवार को प्रदूषण का स्तर सिवियर से घटकर वेरी पुअर कैटेगरी में आने की पूरी संभावना है। लेकिन दिल्ली वासियों को ये ध्यान रखना होगा कि प्रदूषण चाहे हल्का कम हुआ है लेकिन बहुत कम नहीं हुआ है और ये धुएं की चादर
भर्ती ठंड की वजह से कहीं जा नहीं पाएगी। नई दिल्ली से अनिशा माथुर, आज तक। सुशांत हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, एक बार जरा तस्वीरें फिर से दिखाएगा, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और इससे निजात पाने के लिए क्या कोई कदम दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक उठाया गया है? देखिए अर्पिता, तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा आपको, दिखेगी किस तरीके से चादर जो है वो सफेद चादर प्रदूषण की यमुना में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। चारों तरफ यमुना का पानी पूरी तरह से मैला हो चुका है और दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो अभी तक इसको लेकर के कोई कदम की अगर बात की जाए कि उठाता हुआ नजर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसने सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें जो है वो जाहिर तौर पर खड़ी कर दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हवा अगर की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति के अंदर है। पानी का लेवल दो दिन पहले दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ा था, जिसके कारण पूरी दिल्ली के अंदर पानी की जो सप्लाई है वो ठप हो गई थी। खास तौर पर ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली के तमाम एरियाज के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे थे, लेकिन कल तक जैसे ही अमोनिया का लेवल ठीक हुआ उसके बाद दिल्ली की ये तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसने सरकार के लिए नई मुसीबत और नई मुश्किलें जो है वो खड़ी कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो सरकार के लिए इस पानी को ट्रीट करना और लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो साफ तौर पर नजर आएगा। इसी तौर पर आप देखेंगे कि यमुना का पानी सीधे तौर पर काले रंग का जो है वो नजर आ रहा है, ऊपर आपको झाग नजर आ रहे होंगे, जो कि ये बयां करते हैं कि यमुना के अंदर टॉक्सिस लेवल जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो बढ़ चुका है। यानी अगर कोई शख्स इस नदी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, हालांकि सरकार की तरफ से रोका जाता है कि इस तरीके से जब यमुना पलूटेड हो जाए तो पानी के अंदर ना उतरे। आडवाणी का 94वां जन्मदिन है आज और इसी जन्मदिन के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर और वहां पहुंचकर उन्हें बधाई देने की उन्होंने वहां पर शुरुआत की। एक तरीके से मार्गदर्शक के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी को रखा गया और हर वक्त जब प्रधानमंत्री को लगता है कि उनसे राजनीतिक परिदृश्य में बात करनी चाहिए, हमेशा वो उनसे बात करते हैं और आज जब उनका जन्मदिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके आवास पहुंचे उनको उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। कल भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचा जन्मदिन की बधाई देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां लाल कृष्ण आडवाणी के आवास में सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, क्योंकि आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन और इसी मौके पर खुद बधाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के आवास में पहुंचे। बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जीत को दोहराने की चुनौती है। बाकी राज्यों की अपेक्षा बीजेपी की जंग भी यहां जबरदस्त होनी है और यूपी के बीजेपी नेताओं को लगता है कि मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। आइए महसूस करिए बयानों के ताप को, उत्तर प्रदेश के सियासी सफर पर ले चलते हैं आपको और एक एक बयान से समझिए कि कैसे देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रोड मैप तैयार हो रहा है। एक एक बयान से जानिए कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कैसे कैसे सियासी रंग ले रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल में यहाँ हर बयान में हमला है, वार है, पलटवार है, तकरार है और सियासत सबसे जोरदार है। यही वजह है कि जिस वक्त दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठक कर बीजेपी यूपी समेत 5 राज्यों का चुनावी खाका तैयार कर रही थी, ठीक उसी समय अम्बेडकर नगर की रैली में अखिलेश लैपटॉप और बुलडोजर वाला फॉर्मूला बताकर चुनावी फायदा उठाने में जुटे थे। इस दिन नौजवान साथियों, आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए,
लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। बुलडोजर के बहाने अखिलेश हर रैली में योगी के उन हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जिसे यूपी के सीएम समाजवादी पार्टी की पहचान बताते हैं, जिसके सहारे अखिलेश राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया, गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। मोदी के ऐसे ही आक्रामक अंदाज से यूपी में बीजेपी का जोश शाही है, साथ ही भरोसा मोदी के नाम का भी है। विश्वास कुछ ऐसा है कि बीजेपी को यूपी में अपने खिलाफ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जी के जो कार्य हैं वो चढ़कर बोलते हैं, और योगी जी के कार्य जो हैं पूरे एक अनुगामी हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी का एक प्रतिरूप की तरीके से उन्होंने एक अच्छा समन्वय, जो भारत का सबसे अच्छा समन्वय किसी राज्य का हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच का जो समन्वय है वो एक आदर्श है, और इसमें सब एक दूसरे का पूरक बन के काम करते हैं। चैलेंज किससे है आपको यूपी में? हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, वो जनता के आशीर्वाद से वंचित हो चुके हैं, अभी उनको जनता का आशीर्वाद निकट भविष्य में प्राप्त नहीं होगा। पर आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में जो आना चाहे वो आए, अभी तो लड़ाई में कोई नहीं, अभी कोई है ही नहीं लड़ाई में नहीं। लेकिन विपक्ष बीजेपी के इस भरोसे को तोड़ने के लिए हमले का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है। सियासत इस कदर हावी है कि एक एजेंसी ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया तो विपक्ष ने सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, पता नहीं किस एजेंसी को कैसे सेट करे। वो तो कहो ये नहीं कह दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चार्ज भी थोड़े दिन में मोदी जी संभाल लेंगे। ये एक मैनेज किया हुआ एजेंसी की रिपोर्ट है, जांच इस बात की होनी चाहिए किसने मैनेज किया इस एजेंसी को, और उसमें क्या क्या उपयोग किया गया, पैसा लगा या साधन लगे या उसके बदले देश का क्या दिया है, जांच इसकी होनी चाहिए। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन हमलों का और तीखा होना तय है। आज तक ब्यूरो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं, वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद हैं, अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, और सब लोग बधाई देने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को पहुंचे हैं। बाकायदा हाथ पकड़कर जिस टेबल पर बैठना था, वहां चेयर पर बैठना था, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर गए, फूलों से उन्हें बधाई दी लाल कृष्ण आडवाणी का। आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास में इस वक्त मौजूद हैं उनको बधाई देने के लिए। तो बीजेपी के मार्गदर्शक के तौर पर हर वक्त एक मार्गदर्शन बीजेपी के तमाम नेता लेते रहे। आज ये बड़ा मौका उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता उनके आवास पर पहुंचे, और इस वक्त भी आवास की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मौजूद हैं, बकायदा वहां पर टेबल चेयर लगी, यहीं पर बैठकर उनसे चर्चा भी हुई और ये तस्वीरें भी सामने आई। अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी, वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर वहां पहुंचे। सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री ने सौंपा और उसके बाद उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम नेता बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे और मौका है उनके जन्मदिन का। देखिए बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर इसी तरीके से हर साल जो है पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने के लिए आते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, एक लंबा समय जो है वो व्यतीत भी वहां पर करते हैं, आधे घंटे के करीब वो वहां रहते हैं हर साल। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की उम्र जो है वो ज्यादा हो, जो 94 ईयर के आज वो हो गए हैं,
कल वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर वर्चुअल भी जुड़े थे, लेकिन कल भी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से उनको याद किया गया कि और ये बताया गया कि लालकृष्ण आडवाणी और भुलीवर जोशी दोनों वर्चुअल जो हैं इस बैठक के साथ जुड़े हुए हैं। और लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के एक ऐसे नेता है जिन्होंने संगठन को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप याद कीजिए, जब पार्टी दो सीटों पर जीती थी 1984 से, उसके बाद से लगातार पार्टी को खड़ा करने का काम, संगठन के अंदर तमाम तरीके के काम और सरकार चुनाव लड़ने की रणनीतियां जो है लालकृष्ण आडवाणी ही बनाया करते थे। लेकिन एक सर्टन एज के बाद जो है लालकृष्ण आडवाणी जो है पार्टी के अंदर धीरे धीरे उनकी गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन पार्टी आज भी उनका मान सम्मान उसी तरीके से रखती है, चाहे जन्मदिन हो या अन्य कोई अवसर हो। पार्टी के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल, और यही मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी से मिलने जरूर पहुंचते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर। बीजेपी के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं और एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है लालकृष्ण आडवाणी का। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी पार्टी के सचिव रहे। 1973 से 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे और इसके बाद 86 से 91 तक पार्टी के अध्यक्ष के पद पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। हिमांशु लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आधे घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन बिताते हैं, लेकिन एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली उनका हाथ थामे, क्योंकि उम्र हो चुकी है 94 साल, आप जैसा बता रहे हैं आज उनका 94वां जन्मदिन है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो हाथ थामे उस जगह तक लाए जहां पर सभी को बैठकर चर्चा करनी थी। देखिए बिल्कुल, इस तरीके के दृश्य आप हमेशा देखेंगे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करते हैं, इसी तरीके के दृश्य होते हैं। वो उनके पांव भी छूते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और उनका हाथ थामकर आगे भी बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति के अंदर लाना और उसके बाद उनको संगठन में लगातार जिम्मेदारियों का काम देने का काम जो है लालकृष्ण आडवाणी ने ही किया, उनको गढ़ने का काम लालकृष्ण आडवाणी ने किया। ये बात कई बार जो है सार्वजनिक तौर पर कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं और इसीलिए वो जब भी प्रधान लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करते हैं तो इसी तरीके के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे और उसमें लालकृष्ण आडवाणी बहुत बार भावुक नजर आते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आज जो कद है पार्टी के अंदर वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री वो उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और उनका हाथ थाम के आगे भी उनके साथ बढ़ते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आज भी दोनों के रिश्ते बहुत ही मधुर हैं। जिस तरीके से वो चाहे जन्मदिन का अवसर हो या अन्य कोई अवसर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर लालकृष्ण आडवाणी के घर से किसी भी तरीके का निमंत्रण आता है तो वो वहां जरूर पहुंचते हैं और लालकृष्ण आडवाणी के साथ समय भी व्यतीत करते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं और इस तरीके के दृश्य हमेशा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें भी हिमांशु हम टीवी स्क्रीन पर पुरानी चला रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी नजर आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की बात करें तो लालकृष्ण आडवाणी कितना प्रभाव उनके जीवन पर डालते हैं हिमांशु? देखिए बहुत प्रभाव है लालकृष्ण आडवाणी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कुशल संगठक के तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ा रोल लालकृष्ण आडवाणी का है, संघ का है। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब 1991 में लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उसके सारथी के तौर पर जो है कई जगह पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे और जब लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष बने तो संगठन मंत्री के तौर पर जो है नरेंद्र मोदी उनके साथ काम करते थे और संगठन को गढ़ने का काम लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर उन्होंने किया। तो एक तरीके से दोनों के एक कह सकते हैं कि लंबा अनुभव है और लालकृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा प्रभाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगठन के तौर पर काम करने को जो मिला है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव लालकृष्ण आडवाणी का है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हमेशा एक तरीके से मधुर रहे हैं और आप याद कीजिए 2009 के बाद से लगातार लालकृष्ण आडवाणी ने कई ऐसे ब्लॉग लिखे जिसमें उन्होंने बताया कि गुजरात किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो विकास के पथ पर बहुत आगे निकल रहा है और विकास के नए नए आयामों को रोज छू रहा है। तो एक तरीके से लालकृष्ण आडवाणी की एक बहुत बड़ी भूमिका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज कद है उसमें संगठन और प्रशासनिक तौर पर बढ़ाने में एक बड़ा रोल उनका है।
बिल्कुल, और 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का जो राजनीतिक कद था वो बहुत बड़ा हो गया। 1990 की रथ यात्रा ने लालकृष्ण आडवाणी को लोकप्रियता की चरम पर पहुंचा दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया उनमें आडवाणी का नाम भी शामिल था। ये तस्वीरें हम आपको कुछ पुरानी और आज की तस्वीर भी रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव और जुड़ाव आडवाणी के साथ दिखाती हैं ये तस्वीरें। और देखिए, आज जन्मदिन के मौके पर लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर सब लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। वेंकैया नायडू आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हैं हर बार लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर, और एक बार फिर जब आज ये बड़ा मौका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता, अमित शाह भी वहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद है, और इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी अपना जन्मदिन मनाते हुए केक काटते हुए इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो एक खास प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी लालकृष्ण आडवाणी का देखने को मिला है, और ऐसे मौके पर जब आज किसी वरिष्ठ नेता का जन्मदिन हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भूलते नहीं हैं। लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, और केक काटकर इस वक्त जन्मदिन मनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी नजर आ रहे हैं। तो उनके आवास की तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन, 94वां जन्मदिन, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के कई नेता वहां पर पहुंचे हैं। लालकृष्ण आडवाणी देखिए 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। आडवाणी 4 बार राज्यसभा के और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 1977 से 1979 तक पहली बार केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से लालकृष्ण आडवाणी ने दायित्व संभाला, 1977 से 1979 तक। और आडवाणी इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे, तो एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। एक नेता के तौर पर बीजेपी के लिए उनका बहुत योगदान रहा है, एक वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक के तौर पर इस वक्त वो पार्टी को सहयोग देते रहते हैं। जहां पर भी पार्टी को जरूरत उनके अनुभव की पड़ती है वो अनुभव साझा करते रहते हैं। कल भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें आने वाले 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा हुई, उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जुड़े। वहां उन्होंने बात की किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, उस पर उन्होंने अपना योगदान भी दिया। और आज जब मौका है उनके जन्मदिन का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनके साथ कई नेता वहां पर मौजूद हैं, वेंकैया नायडू मौजूद हैं। केक काटते हुए लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हर बार उनके बर्थडे पर उनके आवास पहुंचते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर। ये 2 तस्वीरें, जहां एक तरफ देखिए क्योंकि उम्र हुई है अब लालकृष्ण आडवाणी थोड़े बुजुर्ग हुए, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ थाम कर उस जगह पर लेकर आए जहां पर सबको बैठना था, चर्चा करनी थी, और उसी टेबल पर केक कटिंग भी हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी आवास में मौजूद हैं, और लालकृष्ण आडवाणी के घर जब पहुंचते हैं उनके जन्मदिन के खास मौके पर तकरीबन आधे घंटे का समय जरूर वो बिताते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जब पहुंचे तो हाथों में गुलदस्ता लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। कई बार तस्वीरें हम सामने देखते हैं जहां पैर छूते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, थामे नजर आते हैं। और अभी देखिए लालकृष्ण आडवाणी केक कट कर रहे हैं, 94 साल के आडवाणी हो गए हैं, लेकिन ऐसे में वरिष्ठ नेता का अनुभव बहुत कुछ कहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अहमियत को समझते हैं, और इसीलिए मीटिंग्स हो या फिर खुद जाकर मिलना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लालकृष्ण आडवाणी से वो अनुभव लेते रहते हैं। हिमांशु हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है, और हिमांशु देखिए एक वरिष्ठ नेता के घर पहुंचना, उनके जन्मदिन में शामिल होना, हर बार ये कर पाना एक प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि कई व्यस्तता होती है उनकी, कार्यक्रम हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बावजूद इसके हर बार वो कोशिश करते हैं लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर पहुंचने की। देखिए बिल्कुल हर बार कोशिश करते हैं। याद कीजिए आप 2015 का बिहार चुनाव, उस दौरान भी वो कैंपेन पे थे और तब भी लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने गए थे। आप याद कीजिए 2018 के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव, उस दौरान भी वो कैंपेन पे जाने वाले थे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उसके बाद ही वो अपने कैंपेन पे गए थे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है वो इस तरीके के किसी भी चीज को मिस नहीं करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी के लिए वो जिस तरीके से उनके अंदर भाव है वो हमेशा सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुके हैं इस बात को प्रधानमंत्री भी, कि उन्होंने बहुत कुछ जो है
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल किशन आडवाणी से सीखा है संगठन में किस तरीके से संगठन के अंदर काम किया जा सकता है। और लाल किशन आडवाणी के लिए तो हमेशा ये कहा जा सकता है कि दूसरी पीढ़ी जो बीजेपी की है उसको तैयार करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री हो या फिर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, ये तमाम वो नेता है जिनको लाल किशन आडवाणी ने तैयार किया है। तो एक तरीके से दूसरी पीढ़ी को खड़ा करने का जो जिम्मा था वो लाल किशन आडवाणी के पास था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा उनके प्रति इस तरीके का स्नेह हमेशा देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे वो पांव छूके कभी आशीर्वाद लेते दिखते हैं, कभी उनका गले मिलकर आशीर्वाद गले मिलते हैं, कई बार हाथ पकड़ते हैं और उनके साथ बहुत भावनात्मक तरीके से जो है वो दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के में जो प्रेम है, जो जिस तरीके की कह सकते हैं कि स्नेह है, वो हमेशा दिखाई देता है। और अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा को भी याद इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और लाल किशन आडवाणी के साथ, क्योंकि गांधीनगर से लाल किशन आडवाणी जो है वो लोकसभा चुनाव जीतते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हमेशा गांधीनगर का ज्यादातर काम जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर खुद ऑब्जर्व किया करते थे नरेंद्र मोदी। बहुत कम लाल किशन आडवाणी वहां जाया करते थे। और याद कीजिए 2014 और 2009 के चुनाव, हमेशा 2009 में जब लाल किशन आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री है उन्होंने ये कह दिया था, आप पूरे देश की जिम्मेदारी संभालिए, यहाँ की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, आपको यहाँ ज्यादा कैंपेन नहीं करना है। तो ये होता है, एक दो नेताओं के बीच के संबंध ये दर्शाते हैं कि हर साल आके आप उनके जन्मदिन पर उनके साथ बैठना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके अनुभवों को साझा करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी आज भी लाल किशन आडवाणी ही नहीं बल्कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका किस तरीके से सम्मान करती है, उनके अनुभवों का किस तरीके से फायदा लेती है। बिल्कुल, यानी देखिए भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने का श्रेय जाता है उसमें सबसे आगे की पंक्ति में अगर कोई नाम है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। और आज जब उनका जन्मदिन, तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास में पहुंचे, उनका पूरा काफिला, साथ ही साथ अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, वेंकैया नायडू मौजूद हैं और राह के काटते हुए लाल कृष्ण आडवाणी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब बात मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जिन्होंने एक बार फिर किसान आंदोलन के पक्ष में सख्त बयान दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें राज्यपाल बनाने वाले कहेंगे तो एक क्षण में इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ, हमारे 600 लोग मरे उस पर कोई नहीं बोल रहा। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पिछले कुछ समय से अपने विस्फोटक बयानों के लिए चर्चित मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव जयपुर में आयोजित ग्लोबल जाट सम्मेलन में सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है।
ऐसा बोलते हुए मलिक ने इंदिरा गांधी की हत्या का भी जिक्र किया। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्पाल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। सत्यपाल मलिक ने ये साफ किया कि वो किसान आंदोलन पर जिस तरह से बोल रहे हैं उन्हें एहसास है कि उनके बयान से उन लोगों को दिक्कत होगी जिन्होंने उन्हें गवर्नर बनाया है, लेकिन उन्हें जब भी कहा जाएगा वो पद छोड़ने को तैयार हैं। मुझे किसने बनाया था? ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में दो तीन बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूँ कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो ये तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। सत्यपाल मलिक के इन बयानों से यकीनन किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिल सकती है। सरकार की लाइन से अलग इन बयानों पर सरकार और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका सबको इंतजार है। आज तक ब्यूरो।